अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मम्मा किड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि इस बॉक्स में है क्या, तो आए इससे पहले मैं बताऊं कि इस बॉक्स में क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए। तो आए पहले देखते हैं चैनल का इंट्रो, उसके बाद देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो चले, आपको पता है कि इससे पहले मैंने आर्ट से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं और आप लोग जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं, जिसमें डिफरेंट लेक्चर्स भी हैं जिनमें मैंने वाटर बेस्ड पेंट्स, ऑयल बेस्ड पेंट्स सब मैंने डिटेल से आपको क्लासेस देकर समझाई हुई थी कौन कौन से मीडियम्स यूज़ होते हैं आर्ट्स में। तो आज जो है वो मैं रिवील कर रही हूँ पाकिस्तान में एक ऐसे ब्रांड को जो कि आप कह सकते हैं कि पहला या वाहिद ब्रांड है पाकिस्तान में जो आपको रेडी टू पेंट मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसका नाम है ब्लू बर्ड। जी हाँ व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ब्लू बर्ड, और ये इस तरह की पैकिंग, खूबसूरत पैकिंग में आती है, काफ़ी सील्ड भी होती है। और मैंने इनसे फ़िलहाल तो ऐसी चीज़ें मंगवाई हैं जो शायद आपको भी मालूम इलम ना हो कि ये क्या चीज़ है, मगर बहुत कम मुझे ऑनलाइन मिलती हैं, इसलिए मुझे ऑर्डर करना पड़ा और वो चीज़ें मंगवानी पड़ी। और मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी ये चीज़ शेयर करूँ। तो व्यूअर्स, इनके पास आप देख सकते हैं वाटर कलर्स हैं, इनके पास ऑयल पेंट्स भी होते हैं, वार्निश भी होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में होती हैं। अगर आप ये कहेंगे कि ये एक्सपेंसिव हैं, तो मेरे नज़रिए से चूंकि मैं काफ़ी काम करती रहती हूँ पेंट से रिलेटेड, तो उनसे अगर कंपैरिजन करूँ मैं तो बहुत ही मुनासिब रेट्स हैं इनके। तो व्यूअर्स, ये है इनकी वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोरिंग के लिए जो बेसिक प्राइमरी कलर्स हैं वो तैयार मिलते हैं, मगर मैंने वाइट मंगवाया है क्योंकि जो शीट मुझे चाहिए था वो नहीं अवेलेबल था। और साथ में ही आर्टिस्ट पेंट्स भी हैं और डिफरेंट आप वाटर कलर और ऑयल कलर्स भी हैं, टेक्स्चर पेंट भी है, फर्नीचर पेंट्स भी हैं और जेल एंड मीडियम्स भी हैं, और उसके अलावा प्राइमर्स भी हैं, कैनवासेस भी हैं जिस पर आप पेंट कर सकते हैं, और कोटिंग्स भी हैं और पेंट एसेसरीज जाहिर है इसके बगैर आप पेंट कर नहीं सकते, और उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ट ब्रशेस भी हर वैरायटी के यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें था इसका बिल, तो इनवॉइस तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, मगर ये है इसका बिल। और साथ में ही इनका इंस्टाग्राम में भी, फेसबुक में भी इनके पेजेस हैं, आप उसमें जाकर इनकी डिटेल देख सकते हैं। तो इनके आप देख सकते हैं एक्रेलिक कलर मैंने मंगवाया, एक्रेलिक कलर, और ये आप कैनवस पे भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, फायर बोर्ड पे भी यूज़ कर सकते हैं, इवन कि आप वुड और स्टोन वगैरह में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये रेडी टू पेंट है, इसमें कोई भी मिक्सिंग वगैरह आपको नहीं करनी पड़ती। ये मैंने मंगवाया है वाइट कलर, ठीक है, एक मैंने मंगवाया वाइट कलर, साथ साथ आपको मैं डिटेल्स देती जाती हूँ। और दूसरा जो मैंने मंगवाया है वो है, आप देख सकते हैं, ये है वेरिडियन कलर है, ठीक है, ये इट्स अ फॉर्म ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है, ये मोस्टली यूज़ होते हैं घास वगैरह के इफ़ेक्ट्स के लिए, या उस तरह के आप कह सकते हैं डार्क ग्रीन के टोन है। और तीसरा जो कलर है वो है मेरा फेवरेट टर्क्विस ब्लू, ये आप देख सकते हैं टर्क्विस ब्लू। तो इसमें ये भी इसी तरह के सील्स हैं, और इसकी जो प्राइस है वो है 220, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ इनवॉइस से एक दफ़ा पढ़कर भी बता देती हूँ, क्योंकि कुछ शेड्स जो हैं मसलन गोल्डन सिल्वर जो कि बहुत ही कम बनते हैं और वो बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, टू मतलब 10-20 रुपीस एक्सपेंसिव होते हैं। तो चूंकि मैंने ये शेड्स मंगवाए हैं, ये सारे शेड्स जो हैं 220 रुपीस में ईच है, और ये 75 मिलीमीटर है, ये आप देख सकते हैं इनवॉइस में डिटेल्स भी, ठीक है,
एक है टर्क्वेस ब्लू, वेरेंडियन एंड वाइट, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यूनिक आइटम जो है एक्रेलिक पोरिंग मीडियम 100 ml है और इसकी प्राइस है 240। ये मैंने मंगवाया है एक्सपेरिमेंटल बेस के लिए और 250 इनके TCS के चार्जेस हैं और बहुत ही मुनासिब रेट्स हैं इनके और मुझे तो बहुत पसंद आए। और साथ में ही मैं आपको दिखा देती हूँ इनका पोरिंग पैक। ये है पोरिंग मीडियम, सील्ड है। इसमें आपको ये वाइट कलर में ही आता है और इसमें अगर आप जो भी कलर मिक्स करेंगे इजीली मिक्स हो जाता है। व्यूअर्स, अब आप सोच रहे होंगे पोरिंग मीडियम को हम लोग कितने एक्रेलिक कलर हम लोग उसमें डालेंगे और पानी कितना क्या रेशो होगा, तो वो मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप पोरिंग मीडियम यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो कंपनी ने जो रिकमेंड किया है वो ये है कि 80% आप लोग पोरिंग मीडियम डालें और 20% एक्रेलिक कलर, कोई भी शेड हो आप उसमें मिक्स कर दें और इट्स रेडी टू पेंट है। मगर चूंकि मैंने फिजिकली खुद किया है तो देखा है तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा ठीक आ जाता है। तो आपको मैं एक सेकेंड ऑप्शन बता देती हूँ, अगर आप लोग पोरिंग मीडियम तकरीबन 2 tablespoons डाल देंगे, ठीक है, 50%, और 40% कर दें आप पोरिंग मीडियम, यानी आप 2 tablespoons अगर पोरिंग मीडियम डाल रहे हैं तो 2 tablespoons एक्रेलिक कलर भी डाल देंगे, ठीक है, और उसमें सिर्फ 1 tablespoon आप पानी का डाल देंगे तो बहुत ही फाइन आपके पास पोरिंग मीडियम आ जाएगा और आप इजीली उसको पोर कर सकते हैं। अगर आप पानी पहले आप देख लीजिएगा कि आपको जो क्वांटिटी थिकनेस चाहिए हो वो आपको अगर सिर्फ उसी में मिल रहा हो बगैर पानी के तो वेल एंड गुड, मगर मुझे जो पोरिंग मीडियम चाहिए होता है वो थोड़ा सा थिन चाहिए होता है तो इसलिए मैं उसमें 1 tablespoon पानी का डाल देती हूँ। तो व्यूअर्स, इसका बहुत जल्द नई वीडियोस आने वाली हैं और मैं आपको कैनवस पे इसको फिजिकली अप्लाई करके दिखाऊंगी कि किसको अप्लाई कैसे करते हैं। मगर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग को कोई भी पोस्टर कलर्स बच्चों के लिए भी चाहिए हो या कोई भी पेंट से रिलेटेड कोई भी आर्टिस्टिक मीडियम्स आपको पेंट्स चाहिए हो, वार्निश चाहिए हो, तो वो इनके कंपनी में ईजिली आपको मिल जाएंगे और ये बहुत ही क्विक सर्विसेज हैं। विद इन 1 to 2 days में आपको आपकी चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक बार मैं फिर बताती चलूँ, मैंने मंगवाई है एक्रेलिक पोरिंग मीडियम, ठीक है, छोटा बॉटल मंगवाया है फॉर एक्सपेरिमेंटल बेस के लिए। सेकंड है मेरे पास एक्रेलिक कलर में है टर्क्विस ब्लू एंड वेरेडियन मैंने मंगवाया है और वाइट मंगवाया है और ये इस तरह की पैकिंग में आता है और चूंकि पोरिंग मीडियम जो है वो बिल्कुल सील्ड है क्योंकि ये लिक्विड बेस है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और बहुत जल्द आपको मैं प्रैक्टिकली ये सारे मीडियम्स किस तरह यूज़ होते हैं शेयर करूँगी। मुझे दें इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा और बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए मैजिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।